जय हिंद, वेलकम, नमस्ते। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। देखिए इससे पहले अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ पे क्या है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो चुका है। तो वहाँ तक के वीडियो देखने के लिए देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसे ही लिंक में क्लिक करेंगे तो आपको प्ले लिस्ट में भेज दिया जाएगा और वहाँ पर आपको अल्टरनेट ऑर्डर में सभी वीडियोज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आज से एकदम नए अंदाज के साथ में मैग्नेटिज्म, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए पढ़ने वाले हैं। तो मैग्नेटिज्म ठीक है, तो मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे क्या होता है, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, इस चैप्टर में हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, रिपल करता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है और उसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स आते हैं, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे। और जहाँ जहाँ से एग्जाम में आपके टारगेट हुए हैं तो वो नोट पॉइंट में आपके लिखे हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद में चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले देखिए मैग्नेटिज्म के लिए बार मैग्नेट की जानकारी होना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी कि बार मैग्नेट क्या है। देखिए आपके सामने दो डायग्राम दिखे होंगे बार मैग्नेट में, एक होता है नॉर्थ पोल होता है और एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिल्कुल दोनों बार मैग्नेट जो आपके सामने दिख रहे हैं वो बिल्कुल दोनों बार मैग्नेट सेम है। ठीक है, बस पोल का अंतर है, एक साइड साउथ है एक साइड नॉर्थ है, वो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मैग्नेट का मतलब यही होता है कि दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक कौन सा पोल होता है, साउथ पोल होता है। अब एक चीज़ यहाँ से आप याद रखेंगे कि यदि नॉर्थ और नॉर्थ पोल या कि साउथ या साउथ पोल मिलेंगे तो दोनों के बीच में रिपेल का फोर्स लगेगा, रिपेल लगेगा। ठीक है, यदि नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ मिलेंगे तो दोनों में मेरे भाई अट्रैक्ट लगने वाला है। मतलब कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल और साउथ पोल या साउथ पोल मिलेंगे तो रिपल्सन लगेगा और यहाँ पे नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ मिलेंगे तो अट्रैक्शन दोनों में होने वाला है। मतलब ये कि इनको, ये दोनों को बोलेंगे लाइक पोल्स और ये दोनों को बोलेंगे अनलाइक पोल। मतलब लाइक चार्जेस रिपल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। क्या आप ये लाइन पढ़े थे पहली यूनिट में? तो उसी प्रकार है, यदि लाइक पोल्स होंगे तो रिपल करेंगे, अनलाइक पोल्स होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने वाले हैं। जैसे वहाँ पे निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब मिलते थे, मतलब अनलाइक चार्ज मिलते थे तो अट्रैक्ट होता था, और जब सेम चार्ज मिलते थे मतलब लाइक चार्ज मिलते थे तो क्या होता, रिपल होता। तो इसी प्रकार उसको याद रखना है। देखिए बार मैग्नेट के बारे में आप समझ गए ना, बार मैग्नेट का नाम है केवल बार मैग्नेट। मैग्नेट वही चीज़ है जो आप बचपन में खेले हैं, वही है मैग्नेट। ठीक है, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपके सामने हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे डायरेक्ट समझने की कोशिश करिएगा, कुछ चीज़ें देखिए होते क्या हैं। कुछ चीज़ें ये हैं कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ये समझने की कोशिश करिएगा और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए अगर मैग्नेट को एकदम बिल्कुल जैसे ये मैग्नेट है मेरे भाई, जैसे ये मैग्नेट है कोई सा, ये मैग्नेट नॉर्थ या साउथ, इस प्रकार का साउथ नॉर्थ पोल होता है। इसको मान लीजिए एक धागे में बिल्कुल फ्री कहीं ना अट्रैक्ट, कुछ भी मतलब ना होना चाहिए, बिल्कुल आप लटका दीजिए। जैसे ही लटका देंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपका हैंड है, बिल्कुल ये लटक रहा है, तो मेरे भाई जब आप इसको लटकाएंगे तो ये जो मैग्नेट है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा, उसके अलावा कहीं भी नहीं रुकने वाला है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का मतलब ये कि देखिए इस प्रकार यहाँ अर्थ होगी, आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप मैग्नेट लेकर खड़े होंगे, लटका देंगे, तो ये अर्थ से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खड़ी होगी। मतलब अर्थ का जहाँ साइड नॉर्थ होगा और अर्थ का जहाँ साइड साउथ होगा उस साइड आपका मैग्नेट रुकने वाला है। चाहे आप मैग्नेट कहीं साइड फेर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाएगा। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आप घड़ी में देखे होंगे कि एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की घड़ी में ऊपर से लगा होता है, उससे क्या होता है कि आप डायरेक्शन पता करते हैं। तो रीज़न यही है कि जो हमारी अर्थ है वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, कुछ कंडीशन होती हैं तो उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली रुक जाता है। मैग्नेट लगा होता है मेरे भाई, इसीलिए उसमें सेल नहीं लगाया जाता, डायरेक्ट मैग्नेट से काम चलता है। और आदमी सोचता है कि कैसे ये ऑटोमेटिक कैसे घूम जाता है। ठीक है, तो
इस प्रकार आप घड़ी में देखे होंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, इसीलिए उसमें घड़ी का काम नहीं करते हैं। तो कभी भी आप कभी भटकें या कि ऐसे एरिया में जाएं जो जहां पे मोबाइल की व्यवस्था ना हो, कुछ ऐसे एरिया में जाएं तो उस प्रकार की घड़ी ज़रूर पहने लगें जिसमें आपका ये डायरेक्शन देखने वाला लगा रहता है, इससे आप बाहर निकल सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पोल कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको समझाऊंगा। देखो मोनोपोल्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, अरे कुछ कॉन्सेप्ट ये नहीं है, बस एक लॉजिक है, उस चीज़ को आपको नोट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पहला मेरा लेक्चर होता है, क्लास फर्स्ट जो होती है, हर चैप्टर की आप देखे होंगे कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ, उसमें क्या होता है एक इंट्रो टाइप में होता है कि इस शब्द यदि पोल आया तो आपको दोबारा पोल बताने की कोशिश ना पढ़नी चाहिए। कुछ छोटे छोटे चीज़ें होती हैं उनको पहले पहले दिन समझाता हूँ, इसके बाद में अगले दिन से डेरिवेशन कॉन्सेप्ट जो बड़े बड़े होते हैं उनको स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए मान लीजिए कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब इस मैग्नेट को मेरे भाई, इस मैग्नेट को मान लो आप ऐसे काट दिए। देखिए मैं मोनोपोल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ऐसे काट दिए तो मेरे भाई कभी ये ऐसे नहीं होगा कि ये नॉर्थ हो जाए और बीच से आप काट दिए तो ये साउथ हो जाए। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ऑटोमेटिक यदि नॉर्थ और साउथ डायरेक्ट अलग अलग काट दिए तो ये वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा कि आप अलग अलग काट दिए। ये ऑटोमेटिक क्या करता है कि जैसे ही दो पार्ट में बांटेंगे तो देखिए इस साइड नॉर्थ है तो ऑटोमेटिक यहाँ साउथ आ जाएगा, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नॉर्थ आ जाएगा। मतलब ये कि कभी भी जो मैग्नेट है उसको काट दें चाहे जो करें, यदि उसमें एक पोल है चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा पोल आ जाएगा। यही मोनोपोल कॉन्सेप्ट है। मोनोपोल कॉन्सेप्ट है मतलब ये कि जो पोल आएंगे मेरे भाई, जो पोल नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वो दोनों कम्बिनेशन में हमेशा आएंगे। नॉर्थ साउथ पोल ऑलवेज इन कम्बिनेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं नॉर्थ साउथ पोल आर Always in combination। नॉर्थ साउथ पोल जो हैं हमेशा कम्बिनेशन में आएंगे। यदि मैग्नेट को कैसे भी काट दीजिए, चाहे आप ऐसे काट दीजिए मेरे भाई, ऐसे चाहे काट दीजिए, नॉर्थ साउथ ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, इसी प्रकार आपका चलता रहेगा। देखिए किसी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगने वाले हैं कि आप नॉर्थ को काट दिए तो साउथ नहीं आएगा, नहीं, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यही मैं मोनोपोल कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में मैं क्या यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए इस ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को आप दिल दिमाग में उतार लीजिएगा। सबसे पहले मैं देखिए एक मैग्नेट बनाता हूँ और मैग्नेट से कितने सारे क्वेश्चन बनाऊंगा अब आप देखिएगा। इसी प्रकार आप नोट पॉइंट में अपने कापी में लिख लीजिएगा। मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये मेरे भाई साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। कुछ है इस प्रकार का मैग्नेट बना होता है, यहाँ पे डॉटेड लाइन पूरी होती हैं और यहाँ पे इस प्रकार का कुछ कॉन्सेप्ट बनता है, ऐसा कुछ बना होता है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कुछ इस प्रकार की बनी होती है। अब देखिएगा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जितना बड़ा मैग्नेट है तो इस लेंथ को क्या बोलते हैं मेरे भाई, इस लेंथ को बोलते हैं जियोग्राफिकल लेंथ। तो एल जी लिखे दे रहा हूँ मेरे भाई, एल जी जियोग्राफिकल लेंथ। और मेरे भाई एन पोल और एस पोल की जो लेंथ है उसे हम बोल देते हैं मैग्नेटिक लेंथ, एल एम। मैं दूसरे पेन से आपको समझा रहा हूँ कैसे कैसे, मैं बता दिया आपको। ये हो जाएगी मतलब पूरे मैग्नेट, जितना बड़ा मैग्नेट है पूरे मैग्नेट को बोलेंगे, उसकी लेंथ को बोलेंगे जियोग्राफिकल लेंथ। और ये जो एल स्मॉल एम है उसे बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ। नोट करते चाहिएगा मैग्नेटिक लेंथ। अब एक रिलेशन है जो मैं आपको नोट करा रहा हूँ, यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा कि जो पहला नोट आपके सामने यही है कि जो जियोग्राफिकल लेंथ वो बड़ी है ये मैग्नेटिक लेंथ से। ध्यान से देखिए जियोग्राफिकल लेंथ कितनी बड़ी है मैग्नेटिक लेंथ छोटी से, तो जियोग्राफिकल लेंथ जो है वो बड़ी है मैग्नेटिक लेंथ से। दूसरा कंसेप्ट ये है कि जो जियोग्राफिकल है वो है 5/6 मैग्नेटिक लेंथ के, 5/6 मैग्नेटिक लेंथ के। ये रिलेशन आपके लिए
मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, कुछ भी नहीं आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि ज्योग्राफिकल लेंथ इज इक्वल टू 5/6 मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए रिलेशन है, नोट कर लो, 100% गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आपसे आना चाहिए। आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखिए मैग्नेटिज्म के लिए कभी भी आपसे टेस्ट पूछेगा तो रिपल्सिव टेस्ट बताएंगे, ये आपके लिए एग्जाम में आया था इसलिए मैं इसको लिखवा दिया हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको नहीं पढ़ाया करता था लेकिन आज के बाद में इसको याद कर लीजिए कि जो रिपल्सिव टेस्ट होता है वो मैग्नेटिज्म के टेस्ट के लिए काम में आता है लाइब्रेरी में। ठीक है, ये लेबोरेटरी जहाँ पे रिसर्च चलती हैं। इसके बाद में पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, देखिए भाई मेरे भाई पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम से लिखेंगे। पहला चीज तो यही याद रखिएगा, स्मॉल एम और कैपिटल एम में बहुत बड़ा अंतर है, स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ कहलाएगी। और दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है, मतलब ये कि देखिए मैग्नेट क्या करता है मेरे भाई, अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है, मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है सर। तो पोल स्ट्रेंथ क्या कहलाती है, पोल स्ट्रेंथ क्या कहलाती है सर, अट्रैक्ट करने की पावर, अट्रैक्ट करने की क्षमता, अट्रैक्ट करने की स्ट्रांगनेस मैग्नेट की जो होती है उसी को पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। यहां पे देखिए ध्यान से क्या लिखा है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड्स द इटसेल्फ इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। मतलब ये कह रहा है कि मैग्नेटिक सबस्टेंस को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, उसकी पावर को, मतलब अपनी ओर मैग्नेटिक सबस्टेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर को ही क्या बोलेंगे, पोल स्ट्रेंथ। एक एक चीज़ नोट करिएगा जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे साउथ पोल होता है, साउथ पोल की ओर M1 होता है और नॉर्थ पोल की ओर M2 होता है, या कि दूसरी प्रकार से आपके पास मैग्नेट कुछ इस प्रकार बना होता है, यहाँ पे साउथ पोल होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे M1 होता है, यहाँ पे M2 होता है। मैं तो यही बोलूँगा, मैं जो और के बाद में ये वाला डायग्राम दिया हूँ नीचे वाला डायग्राम, ये मैं सभी डायग्राम में, सभी डेरिवेशन में मैं इसी को यूज करने वाला हूँ। नॉर्थ पोल के पास में M1, साउथ पोल के पास में M2, नॉर्थ पोल के पास में M1, साउथ पोल के पास में M2। ये M1 M2 क्या है मेरे भाई, पोल स्ट्रेंथ है मेरे भाई, मतलब क्या, अट्रैक्ट करने की क्षमता, अट्रैक्ट करने की पावर मैग्नेटिक सबस्टेंस को ही पोल स्ट्रेंथ कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद पोल स्ट्रेंथ मेरे भाई यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। पोल स्ट्रेंथ में ये बताया गया है कि नॉर्थ पोल के पास में पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ होगा, साउथ पोल के पास में निगेटिव स्ट्रेंथ होगा। इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखिएगा, साउथ पोल के पोल में निगेटिव होगा, मतलब ये कि ये साउथ ये नॉर्थ, इसको प्लस एम लेंगे, इसको माइनस एम लेंगे। ठीक है, और यदि इस प्रकार दे देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यदि M1 M2 दे देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेन दिक्कत यही है, यदि M1 M2 नहीं देंगे, सेम देना है तो आपको माइनस और पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये दोनों चीज़ नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जो पोल स्ट्रेंथ है मेरे भाई, जो पोल स्ट्रेंथ है वो किस किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पर देखिए जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ जो मैग्नेट का है, मतलब स्मॉल एम जो है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मैग्नेट और एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए नेचर पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर एन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो लेंथ है मैग्नेट की उसमें डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये कि बड़े ध्यान से देखिए कि इसमें जो है ए मतलब एरिया है, ए मतलब एरिया, एम मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो बड़े ध्यान से देखिए कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ जो है L1 है, मान लीजिए इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, ठीक है, L1 जो है वो less than है L2 से, बट M जो है दोनों का बराबर होगा, M जो है दोनों का बराबर होगा, A और B डायग्राम का M बराबर होगा, क्योंकि जो
एम होता है, पोल स्ट्रेंथ होता है, वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता मेरे भाई। आपके सामने लिखा हुआ है नोट पॉइंट में, डायरेक्ट याद कर लीजिए, लेंथ चाहे जितनी इंक्रीज कर लो, एम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है, क्योंकि वो उसमें डिपेंड ही नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यदि एरिया फर्स्ट में ध्यान से देखिए, यदि एरिया के साथ में रिलेशन निकालेंगे तो एरिया जो है ए लेंथ वाला, आपने रिलेशन देखा कि लेंथ पे जो पोल स्ट्रेंथ एम है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे चाहे लेंथ ज़्यादा हो चाहे कम हो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। चाहे लेंथ को 10 गुना इंक्रीज करो, चाहे 20 गुना, चाहे जितना इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी आपके एग्जाम में लिख के आए, तो आपको केवल यही करना है, नो चेंज दोनों में बराबर होगा, या कि इक्वल का, इक्वल का दोनों में आपके लिए गिवेन होगा कि इक्वल है दोनों में पोल स्ट्रेंथ, या कि आपके पास में ये होगा कि नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन गया। इसके बाद में देखिए थोड़ा सा फिर से, एरिया ए वन है पहले वाले का और एरिया ए टू दूसरे वाले में, पोल स्ट्रेंथ पहले वाले में एम वन, पोल स्ट्रेंथ दूसरे वाले में एम टू, लेंथ के साथ में रिलेशन देख लिया। लेंथ में चाहे जो डिक्रीज इंक्रीज 4 टाइम 10 टाइम कुछ भी करता रहे, आपको नो चेंज करना है, या कि बराबर का ऑप्शन हो तो बराबर करना है ये चीज़, क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा भाई, तो इंक्रीज करने जो डिक्रीज करने अपने क्या करना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए एरिया से देखते हैं कि एरिया ए वन जो है वो ग्रेटर देन है एरिया ए टू के, लेकिन जो पोल स्ट्रेंथ M1 है वो ग्रेटर देन है पोल स्ट्रेंथ M2 के। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं मेरे भाई, मतलब ये कि यदि एरिया जिसका ज़्यादा होगा पोल स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होगा, एरिया जिसका कम होगा पोल स्ट्रेंथ उसका कम होगा। मैं ये बताता हूँ मतलब ये कि पोल स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ द मैग्नेट के, एरिया ऑफ मैग्नेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैं यही क्वेश्चन आपके लिए बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एरिया में आपको जिसमें एरिया ज़्यादा पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा, जिसमें एरिया कम पोल स्ट्रेंथ कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपके सामने डायग्राम सामने लिखा हुआ है, आपको बस देख लेना है। और यहाँ पे देखिए, देख लीजिए, मैं लेंथ को बार के बार फोकस कर रहा हूँ कि लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कुछ भी घुमा के लेंथ में दे, कुछ भी घुमा के दे, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, नो चेंज में ही क्लिक करना है, नो चेंज में करना है, या इक्वल का ऑप्शन होगा तो इक्वल में करना है, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं मैं सब कुछ कराने की कोशिश करूंगा, आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए बस। इसके बाद देखिए मैग्नेट की कटिंग क्या, मतलब क्या है, मैग्नेट को अब काटना है अपने को, तो देखिए क्या करते हैं, ये आपका मान लीजिए मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अच्छा, जिस प्रकार सभी मैग्नेट बनाए हैं उसी प्रकार बनाए ले रहे हैं, ठीक है, जिस प्रकार सभी मैग्नेट बनाए हैं उसी प्रकार बनाते हैं। कैसे बनाए थे हमने, कुछ इस प्रकार का बनाए थे, यहाँ पे साउथ पोल था, यहाँ पे नॉर्थ पोल था। अब देखिए मैं कटिंग ऑफ मैग्नेट का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं करता क्या हूँ, मैं ये करता हूँ कि इस मैग्नेट को कुछ इस प्रकार काट देता हूँ, मतलब ऐसे आपको काट देता हूँ। ऐसे यदि काट दिया मैं तो क्या क्या हुआ, बड़े ध्यान से देखिए कि जो एरिया है वो कितना हो गया मेरे भाई, आधा हो गया। देखिए मैग्नेट के बीच से मैंने काट दिया, एरिया कितना हो गया मेरे भाई, आधा हो गया। एरिया कितना, एरिया जो है a बाई टू हो गया, तो स्मॉल m कितना हो जाएगा, m बाई टू हो गया। बस मैं यही समझा रहा हूँ, यदि मैग्नेट को आप बीच से मैग्नेट को एक्सिस से काट दिया जाए, यहाँ पे क्या है, एक्सिस से काट रहे हैं, एक्सियल से काट रहे हैं मेरे भाई, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और मैग्नेट को कभी कभी कुछ ऐसा काटा जाएगा, उसको भी क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे करना है। पहले आप एक्सिस से ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखना है, अभी देख के आए थे कि एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे जो एरिया है वो आधा हो रहा है, तो एम स्मॉल एम भी आधा हो जाएगा, कोई दिक्कत, यही यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बस इतना ही आपको इस वीडियो में, चलिए जय हिंद, इस वीडियो में इतना ही, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, केवल इतना ही पढ़िए। और ये जो इस प्रकार के काटने वाला क्वेश्चन है, कुछ ऐसा काटना है, ऐसा काटना है, तो उसमें जो एरिया है, एरिया भी कम नहीं हो रहा मेरे भाई, ना कि एम कम होगा, जब एरिया एम और एरिया भी एम हो रहा है, केवल यहाँ पे लेंथ आधी हो रही है, लेंथ इस प्रकार में आधी हो रही है, और इस प्रकार में लेंथ में क्या है, लेंथ में एल में नो चेंज, इस वाले में नो चेंज। इस वाले में बड़े ध्यान से देखो, जब इस प्रकार काट देगा, मान लीजिए इस प्रकार काट देगा,
इस प्रकार काटा, इस प्रकार काट दिया, खड़ा खड़ा बिल्कुल काट दिया, तो जो M है वो बिल्कुल M रहेगा, पहले काटने के बाद भी M M ही रहेगा, लेकिन L जो है आधा हो जाएगा, L जो है आधा हो जाएगा। क्यों? अरे मेरे भाई, जब लेंथ इस पे इतनी बड़ी थी, अब उसको 20 से काट दिए तो L by 2 और लेंथ को आधी कर दिया जाए, तो लेंथ को जब आधी कर दिए तो M पे क्या इफेक्ट पड़ेगा स्मॉल M पे मेरे भाई? जब डिपेंड नहीं करता, तो मैं फिर से वही बता रहा हूँ, घुमाने दो जितने घुमा रहा है, जब लेंथ पे स्मॉल m डिपेंड नहीं कर रहा तो वो तो m ही रहेगा, चाहे l बाई टू कर लो, l बाई थ्री कर लो, l बाई टेन कर लो, 2l कर लो, 5l कर लो, चाहे जितनी बढ़ा लो जितनी घटा लो, उसको तो स्मॉल m ही रहना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, मतलब ये कटिंग ऑफ मैग्नेट जो है इसी प्रॉपर्टी पे, ये जो ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं यहीं से आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यदि आपको कोई भी दिक्कत गई है, वीडियो को बार बार देखें, समझे चीज़ों को। यहाँ पे रटने से काम चलने वाला नहीं है कि आप डायरेक्ट याद कर लें, नहीं, जितना डायरेक्ट याद करने को बोला जाए उतना आप डायरेक्ट याद करिए, बाकी जो कॉन्सेप्ट है उनको कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।